और भाई बताओ, तुम्हारे किताब के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं? भाई मुझे पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन का तो तुम चटनी बना दिए होगे, कितने लोग तो उसका दही भी बना दिए होंगे, और कुछ भाई लोग इतना महान हैं कि उसे बम बनाकर उड़ा दिए होंगे, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रायंगल चैप्टर का सारा क्राइटेरिया बता दिया था कि कैसे कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो भाई कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिले होंगे जिसे तुम्हें देखकर लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है। जैसे इस ट्रायंगल में ही देख लो, तुम्हें पूछा गया होगा कि यार तुम्हें प्रूफ करना है कि BC इस ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड है। भाई देखने से ही पता चल रहा है कि BC इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है, सबसे लंबा साइड है, फिर भी बेवकूफ़ जैसा क्यों पूछ रहे हो? ये मैथ भी ना पागल हो गया है। जो देखने से लगता है उसे फिर पूछता है, प्रूफ करने कहता है। लेकिन फिर भी यार, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा आज फॉर्मूला देने वाला हूँ ना, जिसका यूज करके तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दोगे, यानी सॉल्व कर लोगे। तो चलो इस सब फॉर्मूला को जानते हैं। भाई मैं तुम्हें कल बताया था कि कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए थ्योरम का पता रहना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी दो ट्रायंगल को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो इन सब प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, उसके बाद मैथ में जो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी का नाम है एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल। भाई मुझे पता है कि इस प्रॉपर्टी को तुम 8th क्लास में जरूर से जरूर पढ़े होगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भाई इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। तुम्हें पता है ना कि कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसे आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। तो यार देखो, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे? इस प्रॉपर्टी के आधार पे। इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो उनके ओपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। देखो इस साइड का ओपोजिट एंगल ये है और इस साइड का ओपोजिट एंगल ये है, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों ओपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी के आधार पे। बात समझ में आ रही है ना भाई? एक बार फिर से देखो, देखो यार ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों के ओपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ओपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। भाई इसका कन्वर्स भी जान लो, कन्वर्स मतलब जस्ट इसी का उल्टा। अगर कोई दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर कोई ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों एंगल के ओपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। कैसे? देखो मान लो ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो इन दोनों के ओपोजिट साइड यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे इस थ्योरम के आधार पे। एंगल का ओपोजिट साइड समझ रहे हो ना? देखो यार ये एंगल का ओपोजिट साइड ये है, ये एंगल का ओपोजिट साइड ये है। भाई एंगल का ओपोजिट साइड और साइड के ओपोजिट का एंगल, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा देर बाद चर्चा करूँगा जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा मत्था पच्ची कर रहा है, मतलब हमारा दिमाग खराब कर रहा है खाम खां। देखने से दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का ये साइड सबसे बड़ा साइड है, फिर भी प्रूफ करने के लिए कहता है। भाई इसे जानने के लिए ना तुम्हें एंगल का ओपोजिट साइड और साइड का ओपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। देखो यार इस एंगल को देखो तो इस एंगल का ओपोजिट साइड ये है। कैसे है? देखो यार इस एंगल के टच में कौन कौन सा साइड है, ये साइड एक टच में है और ये साइड एक टच में है, तो वैसा साइड जो इस एंगल के टच में नहीं है वही इसका ओपोजिट साइड होगा। समझ गए ना? अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि ये एंगल का ओपोजिट साइड कौन सा साइड होगा। देखो यार ये एंगल के टच में ये साइड है और ये साइड है तो इसलिए ये साइड इसका ओपोजिट साइड होगा। अब ये एंगल का ओपोजिट साइड कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इस एंगल के टच में ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड इस एंगल के टच में नहीं है इसलिए ये साइड उस एंगल का ओपोजिट साइड होगा। तो चलो एंगल के ओपोजिट साइड के बारे में तो जान ही लिए, अब साइड के ओपोजिट एंगल के बारे में जानेंगे। देखो यार इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में इस साइड का
ओपोजिट एंगल कौन सा एंगल है। देखो इस साइड के टच में कौन कौन सा एंगल है पहले उसे देखना है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो वैसा एंगल जो इस साइड के टच में नहीं है वही तो इसका ओपोजिट एंगल होगा। अरे हाँ भाई, सब समझ में आ रहा है। अब तुम्हें बताना है कि साइड ए बी के ओपोजिट में कौन सा एंगल है। देखो यार, ए बी के टच में एंगल बी है, एंगल ए है, लेकिन एंगल सी इसके टच में नहीं है, इसलिए साइड ए बी का ओपोजिट एंगल एंगल सी हो गया। अब बी सी का ओपोजिट एंगल, भाई एंगल बी और एंगल सी तो टच में है, इसलिए एंगल ए इसका ओपोजिट एंगल होगा। यार अगर तुम इतना समझ लिए ना तो बस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ यार, इतना ही में तो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। अब देखो, मैं सिर्फ दो थ्योरम के बारे में बताऊंगा, दो फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये पूरा ट्रायंगल चैप्टर तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, पूरा ट्रायंगल चैप्टर समझ में आ जाएगा भाई। देखो सबसे पहला ये है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। देखो भाई, इसका फर्स्ट सेंटेंस को तो गोली मारो, सेकेंड सेंटेंस से देखो, द एंगल ओपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। इस ट्रेंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा साइड है, साइड बी सी है, तो बी सी के ओपोजिट में जो एंगल होगा वो एंगल इस ट्रेंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा। हाँ यार, मैंने सही बात कहा है। देखो इस थ्योरम को पढ़ो, सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस को गोली मारो। भाई तुम कैसे गोली मारोगे, मैं फर्स्ट सेंटेंस को काट देता हूँ। अब देखो, द एंगल ओपोजिट टू द लार्जर साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर, तो इस ट्रेंगल में सबसे बड़ा साइड बी सी है, तो इसका ओपोजिट एंगल ए है, इसलिए एंगल ए इस ट्रेंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा। तो भाई दूसरा थ्योरम को जानने से पहले इसका एक बार कन्वर्स देख लेते हैं, क्योंकि कन्वर्स भी देखना जरूरी होता है भाई। तो चलो फटाफट इसका कन्वर्स देखते हैं। देखो यार, इन ए ट्रेंगल द साइड ओपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। देखो इस ट्रेंगल में ये एंगल सबसे बड़ा एंगल है, तो इस एंगल के ओपोजिट में जो साइड होगा वो इस ट्रेंगल का सबसे बड़ा साइड होगा। आँख मूंद के सीधा सीधे लिख के आ जाना कि साइड ओपोजिट टू द लार्जर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज लॉन्गर। सच में यार, तुम अपने घर में इसे मेजर करके भी देख सकते हो, कोई भी ट्रेंगल का सबसे बड़ा साइड के ओपोजिट में जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, और ट्रेंगल का सबसे बड़ा एंगल के ओपोजिट में जो साइड होता है वो साइड उस ट्रेंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। भाई तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यार सबसे बड़ा साइड के ओपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होता है, तो यार ट्रेंगल के सबसे छोटा साइड का ओपोजिट एंगल सबसे छोटा होना चाहिए। अरे हाँ भाई, एक ट्रेंगल का सबसे छोटा साइड का ओपोजिट एंगल ट्रेंगल का सब एंगल से छोटा होता है। इसके साथ और एक बात है, कोई भी ट्रेंगल का कोई एंगल सबसे छोटा है तो उस एंगल के ओपोजिट में जो साइड होगा वो साइड उस ट्रेंगल का सबसे छोटा साइड होगा। भाई मुझे पता है तुम्हें सब अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, तो चलो यार दूसरा थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि तुम मत्था पच्ची करने वाला क्वेश्चन को भी आराम से सोल्व कर सकते हो, ट्रेंगल का कोई भी साइड को सबसे बड़ा प्रूफ कर सकते हो। देखो यार, दूसरा थ्योरम ये है कि कोई भी ट्रेंगल का दो साइड को जोड़ोगे तो उन दोनों साइड का जोड़ तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा। तुम कैसा भी ट्रेंगल बना लो, देखो मैं अभी ऐसा ट्रेंगल बनाता हूँ, एक छोटा सा साइड बनाता हूँ और दो बहुत लंबा लंबा साइड बनाता हूँ, तो इसमें से कोई भी छोटा छोटा साइड को भी जोड़ोगे ना तो तीसरा साइड इन दोनों साइड के जोड़ से हमेशा छोटा ही होगा। भाई मैंने घर में बहुत ट्राई किया यार, 3 घंटे तक ट्राई किया कि दो साइड का जोड़ तीसरा साइड से छोटा हो, लेकिन वैसा ट्रेंगल ही नहीं बनता है भाई, मानना पड़ेगा मैथ को। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी ऐसा ट्रेंगल नहीं बना सका जिससे कि दो साइड का जोड़ तीसरा साइड से छोटा हो। जैसे कि देखो इस ट्रेंगल में दोनों साइड को जोड़ेंगे तो 6 से बड़ा होगा, तुम कोई भी दो साइड को जोड़ सकते हो, वो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा। इसलिए ये थ्योरम को याद रखना भाई, दो साइड का जोड़ तीसरा साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो भाई ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, बस दो थ्योरम का सवाल है, उसके बाद तुम्हारा मत्था पच्ची करने वाला क्वेश्चन भी आराम से बनेगा।
भाई देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा कि जिस तरफ तुम एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हो उससे सटा हुआ एंगल को छोड़कर ट्रायंगल का बचा हुआ दो एंगल का जोड़ उस एक्सटीरियर एंगल के हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में जो एंगल होता है उन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इक्वल होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। तो यार जितना भी प्रॉपर्टी था सारा प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया, लेकिन यार कोई क्वेश्चन नहीं बनवाया, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बनवाऊंगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।